है कि ये काफ़ी इस गाड़ी के सिनेमैटिक्स। तो यार ये है मेरी गाड़ी, मेरी पर्सनल जो मैं यूज़ करता हूँ, ये वो गाड़ी है, इसका नाम है होंडा सिविक रिबॉर्न, काफ़ी फेमस है। और ये गाड़ी इंडिया के अंदर भी, जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। ठीक है, तो कहानी इसकी ऐसी है कि क्यों मैंने ये गाड़ी चूज़ की, इस गाड़ी को चूज़ करने का एक ही मकसद था, इसका इंजन, क्योंकि 1800 CC इनका इंजन है, 1800, तो ये मुझे इतनी पावर प्रोवाइड करता है कि जिससे मुझे सही मज़ा आता है, मज़े वाली फीलिंग आती है। ठीक है, और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा है गाड़ी का, तो इसका मीटर भी बहुत ज़्यादा कमाल है, डिजिटल मीटर है। हर एक ऐसा फीचर है इस गाड़ी के अंदर जो मतलब पाकिस्तान में एक काफ़ी यूनिक सी चीज़ और अच्छी चीज़ है। तो आपको पता है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल की, लेकिन यहाँ पर होंडा, टोयोटा, अब MG की एंट्री हो रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बजट से आउट हो रही हैं, आपका भाई तो 3 साल तक ही उसको ले पाएगा। तो लेकिन फिलहाल अभी ये गाड़ी है, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं आप लोगों को इसका मैं वॉक अराउंड दूंगा, इसका बकाया और चीज़ें मैं बताऊंगा, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मज़े की बात, इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स भी आते हैं, प्लस पॉइंट पाकिस्तान के अंदर एयरबैग्स देना, मतलब समझो कि बहुत यूनिक चीज़ है। तो अभी जाते हैं गाड़ी को, आपको बाहर से मैं बताता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर है विद ब्लैक इंटीरियर, समझ सकते हो ना फीलिंग। ठीक है, इसका रूफ भी मैंने ब्लैक कराना था, लेकिन गाड़ी मैंने परमानेंट रखनी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने इसका रूफ ऊपर से ब्लैक नहीं कराया, नहीं तो ये भी ब्लैक हो जाना था अभी तक। तो अभी चलते हैं बाहर से, गाड़ी आप लोगों को दिखाता हूँ, बाहर से गाड़ी देखो और फिर आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, और बकाया इसके फीचर्स वगैरह मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर तक। तो भाई ये है होंडा सिविक रिबॉर्न, सही है, फुल ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये इसके जो लाइट्स हैं इसके ऊपर मैंने LED लाइट भी लगाई हुई है, क्योंकि थोड़े शशके वाली गाड़ी लगे ना, थोड़ा मज़ा है जब ये रात को बहुत ज़्यादा सेक्सी मतलब के सीन्स होते हैं इससे। और बकाया ब्लैक कलर है फुल गाड़ी का, साइड्स पे आ जाते हैं, ये देखो ऑल आयर रिम्स, आपका भाई ना गाड़ी बहुत चमका के रखता है, आप लोगों को देख रहा होगा गाड़ी काफ़ी शाइन कर रही है, इसको मैं रोज़ धोता हूँ गाड़ी को, अंदाज़ा लगा लो मुझसे ज़्यादा ये गाड़ी नहाती है ये देख लो इसके 2 साइलेंसर हैं, ठीक है, जो काफ़ी मतलब अच्छा वॉइस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब स्पोर्टी लुक फुल इस गाड़ी की मिलती है। और हाँ, इसके अंदर ऊपर मैंने छोटा सा ये स्पॉइलर लगाया हुआ है, ज़्यादा इतना मुझे शशके वाला माहौल ज़्यादा पसंद नहीं है, सोच रहा था कि बड़ा स्पॉइलर लगाऊं, लेकिन नहीं, इतना इनफ है। और अलॉय रिम्स हैं, टायर थोड़े गंदे हैं, इसको इग्नोर करो, टायर ज़्यादा साफ़ रखने चाहिए, वो मुझे पता है, लेकिन मैं मेरे से इतनी सफाई इसकी होती नहीं है भाई। अच्छा, और हाँ, इसके मेन चीज़ तो बतानी भूल गया, देखो इसके मिरर्स भी जो है ना, विंडोज़ वगैरह फुल ब्लैक मैंने कराई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगते हैं इस तरह से। और बकाया ये देख लो फ्रंट पे, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, मतलब स्टिकर्स थोड़े बहुत मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये देख लिया, ये थी मेरी गाड़ी, अब चलते हैं इसके इंटीरियर तो की तरफ। भाई अब चलते हैं ज़रा इंटीरियर की तरफ, गाड़ी में खोलते हैं पहले और अंदर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी गाड़ी का इंटीरियर, ये देख लो, पहले आपको मैं बता दूं, ठीक है, फिर उसके बाद बकाया फीचर्स वगैरह देखो, पिछली जो है वो भी ब्लैक है और फुल शाइन वगैरह दे रही हैं। अब चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले इसका ये देखो, ये लुक, इसका ये लुक बहुत ज़्यादा ही सेक्सी है। ठीक है, डिजिटल डिजिटल मीटर नज़र आ रहा है आप लोगों को, साथ ये इसकी LCD है। ठीक है, एंड्रॉयड पैनल मैंने लगाना था, लेकिन ये है कि फिर मैं रुक गया, अभी लगाऊंगा, इंस्टॉल मैंने कराना है लेकिन थोड़े टाइम तक। तो गाड़ी ऑटोमेटिक में है, ठीक है, देख सकते हो, पार्किंग, रिवर्स, D3 2-1, मतलब D3 में थर्ड गियर, काफ़ी एक स्पोर्टी टाइप वाली फीलिंग आ जाती है इस गाड़ी में। हैंड ब्रेक, और हाँ मज़े की बात, आर्म रेस्ट के साथ ये जो हैंड ब्रेक है ना, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त फीलिंग देती है, एज अ स्पोर्ट कार टाइप थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है बंदे को। और ब्लैक लेदर में इसकी सीट्स हैं, ठीक है,
और बकाया एसी वगैरह का ये सीन्स है। और वो एक टिश्यू पेपर रखा हुआ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको पता है काफ़ी लोगों के हालात ख़राब हो सकते हैं और उनको वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए टिश्यू भी है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। और एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, वो देखो कार का स्पेशली वैक्स तो ये भी मैंने चीज़ रखी हुई है। और अब चलते हैं बकाया और ऊपर ऊपर के फीचर्स की तरफ। दो एयरबैग हैं, एक उस साइड है, एक इधर फ्रंट पे है। और अब आ जाते हैं इधर ऑप्शंस की तरफ। ऑटोमेटिक फ्रंट सीट है ड्राइवर वाली, बकाया तीन भाई ऐसी हैं, मतलब उनको कोई वो नहीं है, यहीं से ऊपर नीचे हल्का हल्का होता है। और डोर लॉक एंड अनलॉक ठीक है, और ये बिल्कुल विंडोज़ के लॉक हो जाएगा इससे। और बाहर के मिरर को कंट्रोल करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। और बकाया मीटर के ऑप्शंस ये वाले हैं ठीक है, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मीटर के ऑप्शंस को। ये देखो चेंज हो रहा है सब कुछ, ये देखो ट्रिप ए बी। और इसमें हाँ मज़े का फीचर, अगर आप लोग दें मतलब रात को इसकी काफ़ी रोशनी जो है इसकी स्क्रीन की काफ़ी आंखों पे पड़ती है, तो आप इसको डिम भी कर सकते हो इस ऑप्शन से। देखो वो हो गई डिम, बिल्कुल डिम। अब ये बिल्कुल मुझे हल्की हल्की नज़र आ रही है ठीक है। और ये देखो, और ये होगा इस ऑप्शन से। और ये ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन थे यार, ये फिर आप लोगों को एक मिरर मिल जाएगा ये। और बकाया आपको नीचे से पता है नीचे ब्रेक है और एक्सेलेटर है। बकाया तो गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। इस साइड पर अगर देख लिया जाए एक बटन इधर है मिरर को ऊपर नीचे करने के लिए, और एक इस साइड भी है और एक इससे पिछली साइड भी है। तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ये है ठीक है। और अच्छा अगर मैं इसको स्टार्ट करके आपको बताऊं तो मतलब गाड़ी काफ़ी साइलेंट कार है स्टार्ट करने के मामले में, देख लो। सो बस इसको मैंने नहीं किया, और जो होता है ना गाड़ी में काफ़ी वाइब्रेशन वगैरह होना, वो भी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। सीन्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं इस गाड़ी के। तो भाइयों इंटीरियर तो आप लोगों ने इस गाड़ी का देख लिया, अब इसको लेके जाएंगे थोड़ी सी राइड पर, थोड़ी स्पीड विपीड मारेंगे आप लोगों को, वो भी मैं अरे बताऊंगा। अरे अरे वेट 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 वेट। अच्छा ये मेरा गार्डन है ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह रखे हुए हैं, मतलब उगाए हुए हैं। तो बाबा को बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का, तो अगर आपने बोला तो इसका भी टूर डेफिनेटली मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के पौधे वगैरह भी हमने लगाए हुए हैं, तो हल्का सा मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ठीक है। Just walk right out the door. Don't want to do this anymore. Now I'm lost without you. तो यार ये अब हम लोग आ चुके हैं इस गाड़ी के डिस्प्ले की तरफ, तो आप लोगों को जरा इसकी जरा सी स्पीड देगा आप लोगों को बताता हूँ। यार इसकी पिक बहुत सही है भाई, बहुत सही है इस गाड़ी की पिक। इस गाड़ी को तभी मैंने बाय किया था इसकी पिक की वजह से। अभी तो नहीं, रोड है यार काफी रश हो रहा है, लेकिन अगर मेरे तक हो सका ना तो जब रश इस रोड पे ना हुआ तो तब मैं आप लोगों को इसकी पिक बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे भी डर लगता है। क्योंकि ये देखो ये पाकिस्तान का आलीशान CD70 खटारा मोटरसाइकिल है यहाँ का, जो आप लोगों के यहाँ मतलब कि कोई आम बंदा पूछता ही नहीं है जिसको ठीक है। और वैसे सनसेट हो रहा है, काफी माहौल मजे का, सीन्स काफी जबरदस्त किस्म के ना आ रहे हैं। और आपका भाई ये गाड़ी चला रहा है, और ये देखो ये देखो देखो एक चीज बताता हूँ इधर के लोगों की, ये देखो मतलब ये नहीं कि मैं बाइक पे जरा सा खर्चा कर लूँ, इसने अपने बाइक को ट्रक बनाया हुआ है। इसके बाइक से देखो धुआं कितना निकल रहा है, ये भी आपको कैमरे में इतना नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह मुझे आ रहा है ना, वो जो ट्रक धुआं छोड़ता है ना, उससे भी ज्यादा इसका धुआं बाइक से निकल रहा है। तो भाई साहब मैंने स्पीड मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं स्पीड नहीं मार सका। तो अभी हाईवे पे जाएंगे, मैं काम पर आया हूँ, काम कर कर फिर मैंने हाईवे के थ्रू जाना है ठीक है। पहले तो जाते हैं अपना काम करते हैं, और फिर हाईवे के थ्रू मैं जाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को थोड़ा 100 से ऊपर लेके गाड़ी को लेके जाऊंगा, मतलब जितना जल्दी हो सके। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने हाईवे पे, और आहिस्ता आहिस्ता अभी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि हम बढ़ाऊँ।
इधर ऐसी जगह पे ना स्पीड मारने का भी मजा आता है यार गाड़ी पे, यकीन मानो। हाईवे होता है, हम लोग फुल स्पीड यहाँ पे देते, लेकिन इतनी भी अब नहीं करनी कि काम खराब हो जाए, मतलब इतनी भी बहुत ज्यादा है। अबे आगे गाड़ी वाला है। ओके। ये देखो, ये हमारे ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं और जो मुझे इन पे गुस्सा आता है। देखो यहाँ पे था ही कोई नहीं भाई, तू हाईवे पे चला आ रहा है कि गांव के रोड पे? और मतलब इस टाइम पे काफी अच्छा माहौल होता है रोड्स पे, मतलब आसपास दरख्त होते हैं और फुल माहौल जबरदस्त। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। अब बाइक वालों का नहीं पता लगता, बाइक वाले एकदम आगे आ जाते तो हॉर्न देना पड़ता है। वैसे तो मैं डिमर ही देता हूँ, लेकिन अभी एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से ड्राइविंग चल रही है, तो फिर काम खराब है। अच्छा तो भाई रास्ता दे यार, डिमर मारनी पड़ेगा मुझे। यहाँ पे रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता भाई, इंडिया में मिलते कि नहीं मिलते इतनी आसानी से, लाजमी बताइएगा आप लोग। रास्ता। ये देखो, इसके मतलब के लगता है कानों में ना कुछ चीज गई हुई है जो कि इसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। मैं डिमर देना ज्यादा अच्छा पसंद करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से निकल जाऊं। हो आगे ट्रक है भाई। स्पीड स्लो। तो भाई लोग, बस आज तक का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों ने मेरी देखी गाड़ी और उस पर मैंने थोड़ा सा चिल मॉल किया, थोड़ी सी स्पीड भी मैंने उस पर मारी। ये अक्सर काम कभी कभी हम लोग थोड़ा थोड़ा हाईवे पे करते हैं, लेकिन आज थोड़ा स्लो चलाया क्योंकि फैमिली थोड़ी साथ ही, तो इस वजह से मैंने कहा भाई अकेले में ये बंदा काम करता है, फैमिली के साथ नहीं करता। तो फैमिली के साथ 130 से ऊपर मैं नहीं जाता, 125-130 से ऊपर मैं नहीं जाता एक्सप्रेस वे या हाईवे पे जहाँ रोड क्लियर हो। तो मतलब ये गाड़ी काफ़ी पावरफुल है, इसको लेने का मेरा एक ही मकसद था, इस गाड़ी का इंटीरियर और पावर इन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ठीक है, ये गाड़ी लेने का मेरा एक ये एम था और मकसद भी यही था कि भाई हाँ मैंने होंडा सिविक में जाने, क्योंकि इस गाड़ी का स्पीड बहुत है, पिकअप बहुत ज़्यादा है, इसको चलाने में मज़ा आता है, फुल स्पोर्टी टाइप फीलिंग आती है। तो इसका मेरा ये एम था गाड़ी का। और अगर आप लोगों ने ऐसा ऐसा और चीज़, मेरे डेली ब्लॉग भी अगर इस चैनल पे आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, मैं व्लॉगिंग भी साथ साथ रिएक्शन के साथ इसी चैनल पे करता रहूँगा, जो जिस तरह मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें होती गई मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉगिंग वाली में, रिएक्शन वाली तो डेली की डेली आएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।